बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलविपीडिया में खुश आमदीद। ये इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज की सीरीज़ है और इसमें हम वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो सीएसएस, पीएमएस, लेक्चरशिप और इंग्लिश के दीगर इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं। कोशिश की गई है कि इनको एक्सप्लेन किया जाए ताकि स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह समझ सकें। ये इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट वन है और इसमें 50 एमसीक्यू शामिल किए गए हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जेहन में अगर कोई बात हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान करें और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर स्टडी किया करें। अगर वीडियो में कोई बात मिस हो गई हो तो उसको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शामिल किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर वन, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज रिटन बाय। करेक्ट ऑप्शन है ए, ब्लेक, विलियम ब्लेक। Songs of Innocence and of Experience is a collection of poems by William Blake. Songs of Experience इसका second part है जिसमें 26 poems हैं। Question number 2, the prelude was composed by. Correct option है Wordsworth. The prelude is an autobiographical poem in blank verse by English poet William Wordsworth. ये बहुत ज़ाती नौयत की नज़म है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ज़िंदगी से मुतल्लक काफ़ी चीज़ें बयान की हैं। प्रल्यूड लफ्ज़ का मानी इब्तदा, आगाज़ या पेश खैमा है। क्वेश्चन नंबर 3, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस इज़ अ डैश बाय ऑस्कर वाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन है कॉमेडी। अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस आयरिश ड्रामा निगार ऑस्कर वाइल्ड की कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्ज इलियट एंड टी एस इलियट आर ब्रदर एंड सिस्टर, कंटेम्प्रेरी राइटर्स, मॉडर्न पोएट्स, डी नॉट रिलेटेड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, नॉट रिलेटेड। कई जगह पर इसका कंटेम्प्रेरी राइटर्स लिखा है लेकिन जॉर्ज इलियट विक्टोरियन इरा की पोएट और नावलिस्ट है जो 1880 में जिसकी डेथ हो गई थी, जबकि टी एस इलियट 1888 में पैदा हुआ, यानी 8 साल बाद पैदा हुआ। इनमें कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है। विच राइटिंग इंक्लूड्स द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। करेक्ट ऑप्शन है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स इज कलेक्शन ऑफ पोइम्स बाई एस टी कॉलरेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। It was first published in 1798, the appearance of which is often designated by scholars as a signal of the beginning of English Romanticism. Question number 6, who does consider love as a transcending power handling all things into beauty? Correct option है B, Keats, John Keats. Transcending का मतलब होता है मावरा या बरतर। ट्रांसेंड का मीनिंग है बढ़ जाना, सबकत ले जाना या गालब होना। टू कीट्स, ब्यूटी लाइज इन ट्रूथ एंड एनीथिंग ट्रू इज ब्यूटीफुल। ही लव्स नेचर एंड हिज टच ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग इनटू ब्यूटी। कीट्स ऐसी तखयलाती दुनिया तख्लीक करता है और ऐसे ख्वाब दिखाता है कि इंसान जिंदगी के तलख हकायक को भी भूल जाता है। जॉन कीट्स लव को, मोहब्बत को एक ऐसा जज्बा समझता है, एक ऐसी ताकत समझता है जो हर चीज को खूबसूरती में कन्वर्ट कर देती है। द रेनबो इज अ नावल रिटन बाय। करेक्ट ऑप्शन है डी एच लॉरेंस। द रेनबो एक कंट्रोवर्शियल नावल था एंड इट वॉज बैंड इन ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल नेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स। The earliest play written by Shakespeare according to Oxford Shakespeare 1588 is. Correct option है D, Titus Andronicus. Oxford University Press ने William Shakespeare के काम को editions की शक्ल में शाया किया है और इसका नाम रखा है The Oxford Shakespeare. इसके मुताबिक William Shakespeare का सबसे पहला ड्रामा Titus Andronicus है
It is a fictional story of Titus, a general in Roman army, जो 10 साल तक बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ता रहा. It is Shakespeare's bloodiest and violent work. Who wrote The Pilgrim's Progress? Correct option है John Bunyan. The Pilgrim's Progress इसको लिखा था John Bunyan ने. ये एक Christian allegorical work है, religious work है. John Bunyan एक Puritan preacher था, ये मजहब से जुड़ा हुआ था. इसको 12 साल कैद हुई और इसी कैद के दौरान जॉन बुनियन ने ये मास्टरपीस तख्लीक किया, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. एलिगरी होती है तमसील, रमजिया किस्सा या कोई अखलाकी कहानी. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ऐसे मुसाफर की कहानी है जो किसी मुकद्दस जगह की ज्यारत करने को जा रहा हो, जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं. The Pilgrim's Progress from this world to that which is to come is a 1678 Christian allegory written by John Bunyan. It is regarded as one of the most significant works of religious theological fiction in English literature. It has been translated into more than 200 languages and has never been out of print. It has also been cited as the first novel written in English language. Question number 10. The Conduct of Allies is a famous work of. Correct option hai Jonathan Swift. This book was written by Jonathan Swift, in which he attacked Britain's allies in the War of the Spanish Succession. Thought Fox is written by. Correct option hai Ted Hughes. Thought Fox Ted Hughes ki bahut famous poem hai aur ye ek animal poem hai. पोएट इसमें जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो मैसेज एनिमल के थ्रू कन्वे करता है. इट इज रिटन बाय टेड ह्यू. द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज द थीम ऑफ डिकन्स नॉवल. करेक्ट ऑप्शन है सी हार्ड टाइम्स. हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकन्स का नॉवल है जिसमें वो इंग्लिश सोसाइटी की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस पर तनकीद करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है. Utilitarians believe that the purpose of morality is to make life better by increasing amount of good and decreasing the amount of bad things in the world. Question number 14. In Memoriam by Tennyson is. Correct option hai A, an elegy. Alfred Tennyson Cambridge ka student tha, jahan iski dost aur beloved Arthur Henry Hallam padhti thi. इसकी उम्र सिर्फ 22 ईयर्स थी कि ब्रेन हेमरेज की वजह से इसकी डेथ हो गई. इसकी वफात पर अल्फ्रेड टेनिसन ने ये पोएम लिखी. दिस पोएम इज वाइडली कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स ऑफ द 19th सेंचुरी. एलिजी का मानी है नोहा या मर्सिया, ऐसी नज़म जो किसी की डेथ पर लिखी जाए. मैथ्यू आर्नल्ड सेड एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन अबाउट. करेक्ट ऑप्शन है सी शेले. ये मैथ्यू आर्नल्ड की कोटेशन है जो उसने शेले के मुतल्लक कही थी. द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास हेवन्स लाइट फॉर एवर शाइन्स अर्थ शेडोज फ्लाई. द अबव टू लाइन्स अकर इन. करेक्ट ऑप्शन है शेलेज एडोनाइस. जॉन कीट्स अंग्रेजी अदब का एक अजीम शायर और रोमांटिसिज्म मूवमेंट की एक अहम शख्सियत था. उर्दू शायरा परवीन शाकर ने जॉन कीट्स को शायर जमाल कहा है. ये अजीम शायर सिर्फ 25 ईयर्स की उम्र में बीमारी की हालत में इस जहान फानी से कूच कर गया. इसकी डेथ पर इंग्लिश पोएट पी बी शेले ने एक नज़म तहरीर की. ये एक मर्सिया और नोहा है जिसे इंग्लिश में एलिजी कहते हैं. इस पोएम का नाम एडोनाइस है. एडोनाइस एक हेब्रियू यानी यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है माय लॉर्ड. ये लफ्ज खुदा की अजमत और शान के लिए बोला जाता है. नेम द कैरेक्टर ऑफ अ नावल ऑफ थॉमस हार्डी विच इज मच लाइक एडिपस किंग लियर एंड फाउस्ट. करेक्ट ऑप्शन है ए टेस. Oedipus Rex is an Athenian tragedy by Sophocles. King Lear is a tragedy written by William Shakespeare. Faust is a tragic play by Goethe.
and Tess is by Thomas Hardy. For whom it is said, sensuousness is a paramount bias of his genius. Correct option is John Keats. Sensuousness is the paramount quality of Keats' political genius. No one has catered and gratified the five human senses, touch, taste, smell, sight, and hearing to the same extent as Keats. Keats waqi shayre jamaliyat hai. His religion is the adoration of the beautiful. Meeting at Night by Browning is a. Correct option has C, dramatic monologue. Meeting at Night, Raat ki Mulaqat is a Victorian English love poem by Robert Browning. Ye monologue to nahi hai, lekin kai critics ise dramatic monologue kehte hain. Earth is the right place for love and I do not know where it is likely to go better. These lines are taken from, correct option hai C, Birches. Birches Robert Frost ki ek bahut khoobsurat poem hai. बर्चीज एक पेड़ यानी एक दरख्त होता है और ये पतला लंबा सा दरख्त होता है जिसकी हाइट 50 मीटर्स तक होती है. लैपिस लजूली इज अ पोएम रिटन बाय. करेक्ट ऑप्शन है डब्ल्यू बी यीट्स. लैपिस लजूली इज अ पोएम बाय विलियम बटलर यीट्स रिटन इन 1936. डब्ल्यू बी यीट्स डेडिकेटेड दिस पोएम टू हैरी क्लिफ्टन. Lapis Lazuli carving gifted to Yeats by Harry Clifton. Lapis Lazuli is a semi-precious stone used for making ornaments. Lapis Lazuli William Butler ki poem hai jo 1936 mein likhi gayi. Ye unhone Harry Clifton ko dedicate ki thi. 56 lines ki ye poem bahut khoobsurat hai. Ye poem 1936 mein likhi gayi jab dusri jang-e-azim ka mahol ban raha tha. जर्मनी में हिटलर के इकदामात जंग का पेशखैमा थे और इंग्लैंड पर जंग का खतरा मंडरा रहा था. जिन लोगों ने पहली जंग अजीम की तबाही देखी थी वो ज्यादा खौफजदा हैं. खातून कहती है कि अब हमें आर्टिस्टों और शायरों की जरूरत नहीं. वो पोएम्स और पेंटिंग से फेड अप हो चुकी है. इंग्लैंड को अब फौजियों की जरूरत है ना कि आर्ट लवर्स की. अब भी अगर इकदामात न किए गए तो जहाज बम गिराएंगे और लंदन को मलियामेट कर देंगे. फिर दूसरे स्टैंजे में पोएट खुद टेक ओवर करता है और बताता है कि माहौल कितना भी खराब क्यों ना हो, कितनी बड़ी ट्रेजेडी भी क्यों ना हो, फतह हमेशा आर्ट की होती है. सिविलाइजेशंस हैव कम एंड गॉन, व्हाई शुड वी फील सॉरी इफ आवर सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रॉयड. हैरी क्लिफ्टन ने लैपिस लजूली नामी पत्थर जो है वो डब्ल्यू बी यीट्स को दिया था उसकी सालगिरह पर. लैपिस लजूली एक पत्थर है जिस पर नक्काशी की हुई थी. ये हैरी क्लिफ्टन ने डब्ल्यू बी यीट्स को गिफ्ट किया था और डब्ल्यू बी यीट्स ने अपनी पोएम का नाम लैपिस लजूली रख दिया. विच ऑफ द प्लेज हैज एन एपिलॉग. करेक्ट ऑप्शन है डेविल्स डिसाइपल. द डेविल्स डिसाइपल इज अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. इट वॉज His first financial success, जिसने जी बी शाह को ड्रामा नगारी के करियर से मजबूत किया. किसी बुक या प्ले के एंड पर जो हिस्सा या स्पीच होती है जो इसका कंक्लूजन होता है उसे एपिलॉग कहते हैं. Which one of the following writers is not woman? Correct option है Robert Browning. Jane Austen और Emily Bronte females थीं. The Wasteland was published by Elliott Inn. Correct option है 1922. The Wasteland, long poem by T.S. Eliot, published in 1922. The 433 line, five-part poem was dedicated to fellow poet Ezra Pound, who helped condense the original manuscript to nearly half its size. It was one of the most influential works of the 20th century. The Rime of the Ancient Mariner was written by. Correct option है Coleridge. ये S.T. Coleridge की एक तवील longest poem है जो Lyrical Ballads के पहले edition में publish हुई थी. ये एक सयाह की रुएदाद है जो एक समंदरी सफर से वापसी पर बयान करता है. Yeats was awarded the Nobel Prize for Literature in.
करेक्ट ऑप्शन है 1923। विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड इन 1923। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हूज वर्क इज कॉल्ड मॉक यूटोपिया। करेक्ट ऑप्शन है स्विफ्ट्स। यूटोपिया का लफ्ज आपने कई मरतबा सुना होगा। उर्दू में हम इसे ख्याली या मसाली दुनिया कहते हैं, यानी ऐसी दुनिया जहां सब अच्छा हो। चूंकि ऐसी जगह कहीं वजूद नहीं रखती, चनानचे इसके लिए तंजिया पैराए में ख्वाबों की जन्नत या यूटोपिया की इस्तलाह इस्तेमाल होती है। ये इस्तलाह 16th सेंचुरी के मशहूर अंग्रेजी राइटर टॉमस मूर ने वजह की थी और इस उनवान से एक नावल यूटोपिया भी लिखा था। टॉमस मूर से पहले अफलातून प्लेटो ने अपनी फेमस बुक रिपब्लिक में भी ऐसी ही मसाली रियासत का जिक्र किया है। गुलिवर्स ट्रेवल्स एज ए मॉक यूटोपिया। गुलिवर्स ट्रेवल्स एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ यूटोपिया, एन इमेजिनरी मॉडल ऑफ द आइडियल कम्युनिटी। स्विफ्ट इनकॉर्पोरेट्स द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेटोज एंड मूर्स यूटोपियाज इनटू हिज ओन नैरेटिव। Hence, Gulliver's Travels can be regarded as a mock utopia. A Winter's Tale by Shakespeare is a correct option है comedy. One of Shakespeare's final plays, The Winter's Tale, is a romantic comedy with elements of tragedy. Preface to Shakespeare is written by correct option है C, Dr. Johnson. प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बुक है। डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेज को 9 साल तक स्टडी किया और इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म प्रीफेस टू शेक्सपियर की शक्ल में दिया है। अ पाइनियर इन साइकोलॉजिकल एनालिसिस इन फिक्शन इज करेक्ट ऑप्शन है जी इलियट, जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, poet, journalist, translator, and one of the leading writers of the Victorian era. Eliot was not a psychologist. She didn't have even the knowledge required by a psychologist. Yet, she is called the first modern novelist since her approach is psychological. She is the pioneer of psychological fiction. Her sharp analysis helps her to come nearer to the truth of human nature, motives, and impulses. जॉर्ज इलियट कोई बाकायदा साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, लेकिन उसका गहरा तज्जिया, उसकी नफसियाती अप्रोचेज उसकी तहरीरों में झलकती है। क्वेश्चन नंबर 31। दो ग्लोरियस मिरर वेयर द ऑलमाइटीज फॉर्म ग्लासेस इटसेल्फ इन टेम्पेस्ट। द अबव लाइन अकर इन बायरन्स करेक्ट ऑप्शन है सी, रोल ऑन दो डीप एंड डार्क ब्लू ओशंस। Lord Byron, one of the greatest British poet and leading figure of romantic movement, Lord Byron Rumanvi ahd ka sabse bada shayar mana jata hai. Iski maqbooliyat bepaya thi. Dr. Allama Iqbal ki tarah apne daur ki siyasat par bahut zyada asar andaz hua. Lekin 32 years ki age mein bukhar ki wajah se mar gaya. Tales from Shakespeare is written by करेक्ट ऑप्शन है बी, चार्ल्स लेम। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंग्लिश चिल्ड्रंस बुक रिटन बाय ब्रदर एंड सिस्टर चार्ल्स एंड मैरी लेम इन 1807। द बुक इज डेजिग्नेटेड टू मेक द स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज फेमिलियर टू द यंग। मैरी लेम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमेडीज वाइल चार्ल्स रोट द ट्रेजिडीज। दे रोट द प्रीफेस बिटवीन देम। Hemingway also worked as correct option है driver. World War I में Hemingway ambulance driver था. Who did write an epic on the growth of his own mind? Correct option है Wordsworth. The prelude or growth of a poet's mind is an autobiographical poem by English poet William Wordsworth. इस नज़म में वर्ड्सवर्थ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान करता है और अपने ज़हनी इरतका का सफ़र बयान करता है।
Epic is a long poem narrating the deeds of heroic or legendary figures of history of a nation. Who was more under the influence of Godwin's philosophy of life? Correct option hai Shelley. ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें. पहली बात तो गॉडविन्स फिलॉसफी है क्या. दरअसल विलियम गॉडविन वाज एन इंग्लिश पॉलिटिकल फिलॉसफर एंड नॉवलिस्ट. इसने जो ख्यालात पेश किए उनको गॉडविन्स फिलॉसफी कहते हैं. और इसके जेर असर कौन था, इसका जवाब है शैले. लेकिन ये पी बी शैले नहीं है, बल्कि उसकी बीवी मैरी शैले है जो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी. विलियम हैजलिट्स इज बेस्ट नोन एज, करेक्ट ऑप्शन है लिटरेरी क्रिटिक. हैजलिट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स एसेइस्ट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. पॉल डेविड एंड पिप आर द थ्री नोटेबल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेंसिटिव नर्वस चाइल्डहुड इन द वर्क्स ऑफ, करेक्ट ऑप्शन है सी डिकन्स. पॉल डेविड एंड पिप, ये सब चार्ल्स डिकन के कैरेक्टर्स हैं. चार्ल्स डिकन वॉज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन ईरा. टेनिसन टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन, करेक्ट ऑप्शन है द प्रिंसेस. द प्रिंसेस इज अ लॉन्ग पोएम बाय अल्फ्रेड टेनिसन. पॉलाइन वॉज रिटन बाय, करेक्ट ऑप्शन है ब्राउनिंग. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पहली पोएम थी जो 1833 में पब्लिश हुई. विच विक्टोरियन पोएट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिस्ट, करेक्ट ऑप्शन है ब्राउनिंग. द लास्ट एसेज ऑफ इलिया वॉज रिटन बाय, करेक्ट ऑप्शन है लेम, चार्ल्स लेम. द हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट अनहर्ड आर स्वीटर, अपीयर इन, करेक्ट ऑप्शन है बी आउट ऑन अ ग्रीशियन अर्न. ये जॉन कीट्स की लाइंस हैं. द मीनिंग इज दैट द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज ऑफन ग्रेटर देन रियलिटी. जॉन कीट्स का मानना है कि तखयल ज्यादा खुशी का बायस बनता है जबकि हकीकत मायूस कर सकती है. लॉर्ड बायरन वॉज बॉर्न इन, करेक्ट ऑप्शन है 1788. रोमानवी अहद का अजीम शायर लॉर्ड बायरन 1788 में लंदन में पैदा हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट इज नोन फॉर हिज सटायर इन द विक्टोरियन लिटरेचर, करेक्ट ऑप्शन है थैकरे, विलियम थैकरे. और ये भी याद रखें कि थैकरे इंडिया में कलकत्ता में पैदा हुआ था 1811 में, जबकि इसकी डेथ लंदन में हुई थी. जी बी शाह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, करेक्ट ऑप्शन है बी हेनरिक इब्सन. हेनरिक इब्सन नॉर्वे का अजीम ड्रामा निगार था. इब्सन के ड्रामे दुनिया की तमाम बड़ी जुबानों में तर्जमा हो चुके हैं. द वर्ल्ड ऑफ लेडी शैलेट बिलोंग्स टू, करेक्ट ऑप्शन है विक्टोरियन ईरा. The Lady of Shalott is a lyrical ballad by English poet Alfred Tennyson, or Lord Alfred Tennyson, Victorian age ki poetry ka chief representative hai. Question number 47. Egdon Heath forms the backdrop of which of the following novels by Hardy? Correct option hai Returns of the Native. The Return of the Natives, Thomas Hardy ka bahut mashhoor novel hai. Egdon Heath is a fictitious area mentioned in this novel. B. Shaw confessed to be a disciple of, correct option hai A. Ibsen. George Bernard Shaw ko simply Bernard Shaw ya B. Shaw bhi kehte hain. Wo Ibsen ka disciple tha, is baat ka usne khud confession kiya hai. Henry Ibsen ke mutalliq main pehle bhi bata chuka hoon ki ye Norway ka azim drama nigar tha, बल्कि इसका शुमार दुनिया के अजीम ड्रामा निगारों में होता है और इसका शेक्सपियर से भी मुवाजना किया जाता है. आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा एंड मैन एंड सुपरमैन आर रिटन बाय, करेक्ट ऑप्शन है शाह, जी बी शाह. ये जी बी शाह के नावल हैं. आर्म्स एंड मैन कॉमेडी रिटन बाय जी बी शाह, कैंडिडा
and Man and Superman are plays of G.B. Shaw. Question number 50. Parson, Adams and Squire Western are creations of. Correct option has C. Fielding. Parson Adams is a fictional character of novel Joseph Andrews, or Squire Western Henry Fielding ke mashhoor novel Tom Jones ka character hai. Henry Fielding was an English novelist and dramatist known for his comic novels.